शायद आपसे मशवरा कर रहे थे, क्या समझता हूँ टर्निंग पॉइंट था, आपने बोल्ड डिसीजन लिया नसीम से? बिल्कुल, हमने बस यही प्लान था कि हम जितना गेम को डीप लेके जाएं उतना अच्छा, और जिस तरह नसीम ने बॉलिंग कराई वो काफ़ी अच्छा था, और स्टार्ट में भी उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, क्रूशियल विकेटें लेके दी, और डेथ में भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अनफॉर्चुनेटली हम वैसा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन मेरे ख्याल से नवाज के भी को भी क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह उसने वो लास्ट ओवर किया, प्रेशर गेम थी और जिस तरह हम ओवर द नाइन नहीं हुए। बैटिंग में हम कहाँ चूक गए, क्या तेज खेलने की चाह में हमने जल्दी विकेटें गवा दी, या कंडीशंस मुश्किल थी, या इंडिया के बोलर्स बहुत काम कर रहे थे हमारी आने में? धानी वाज दिस अ सरप्राइज फॉर यू ऑल जिस तरह धानी ने परफॉर्म किया? डेफिनेटली देखें, पार्टनरशिप नहीं लगी मेरे ख्याल से, जिस तरह पार्टनरशिप लगती है तो थोड़ा सा प्रेशर आता है दूसरी टीम पे, वो छोटी छोटी पार्टनरशिप लगी, एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी 50 रन की, तो वो थोड़ा सा हमने मिस किया, और आखिरी जो ओवर्स थे मेरे ख्याल से वैसे यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन टेल ने जिस तरह स्पेशली धानी और हारिस ने चप इन किया थोड़ा रन, और वो काफ़ी हमारे लिए फाइट बैक के लिए काफ़ी थे, लेकिन उसके बाद फाइट हमने काफ़ी अच्छी की। देखें, फास्ट बॉलर हमेशा ही पम्प्ड अप रहता है और अग्रेशन रहता है उसमें, और देखें जिस तरह उसने स्टार्ट किया, बिल्कुल हमने शाहीन को काफ़ी मिस किया, लेकिन उसने उसकी कमी महसूस होने नहीं दी, और जिस तरह उसने न्यू बॉल किया और उसके बाद जो डेथ में किया वो काफ़ी अच्छा था। हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी T20 क्रिकेट में जब फिट एंड फॉर्म है, एक बड़ा डिफरेंस करता है वो, इंडिया के पास एक बड़ा एडवांटेज है? डेफिनेटली, जिस तरह वो बॉलिंग में भी उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, और बैटिंग में जिस तरह उसने फिनिश किया, मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है, और जिस तरह उसने फिनिश किया वो काफ़ी अच्छा रहा।